अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद दिन पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी कब्रिस्तान के मुतालिक। तो दो हफ्ते 15 दिन लगा ले, 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन के बाद मैं आया हूँ, तो आज के मैं आपको रिजल्ट दिखा दूँ। पिछले दिन जब आया था तब भी यहाँ पे पानी था, आज भी पानी आई आगे आओ दिखा दो। ये देखिए जी, ये पानी है, ठीक है। मेरी वालदा की कब्र वो आ गई है जहाँ पे ईंटें लगी, जिस कब्र के ऊपर वहाँ पे मैंने जाना है। मैं कहाँ से जाऊँगा, रास्ता ही कोई नहीं, जहाँ से भी गुजरूँगा वहाँ तक पानी है। ये देखे, अब जैसा कि देख सकते हैं आगे देखे कैसे पाँव, लोग बेचारे गए भी आगे, पाँव के निशान आप देख रहे हैं कि यार कब्रिस्तान के ऊपर कोई भी नहीं यार केयर कर रहा। मैंने पीछे भी वीडियो बनाई थी, कोई केयर ही नहीं है, कोई तोज्जो ही नहीं है। वो बिल्ला साहब ने उस दिन बताया कि यार हम क्या करें, ये कब्र पर उन्होंने 3 दफ़ा मट्टी डाली थी, ये कब्र का हाल देख ले दोबारा क्या हो चुका है, कोई वगैरह ध्यान नहीं है। ये देखिए जिनकी कब्रें, दो कब्रें सारी साथ जुड़ चुकी हैं, बारिश की वजह से कि कोई केयर नहीं है यार। अल्लाह के बंदो, कब्रिस्तान में आओ, कब्रिस्तान में यार पैसे डालो और ये मज़ीद जो सा पानी है ना, ये पानी को ख़त्म करें। क्या फ़ायदा यार, ये उस दिन भी उन्होंने कहा था कि कब्रों के ऊपर अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए। ये पैसे जो लगाए हैं आपने, 10-15 हज़ार लगाए, 10-15 हज़ार और लगा के इधर यार मट्टी डाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने अपनी कब्र के ऊपर भी तो 10-15 हज़ार लगा दिया ना, तो 10-15 हज़ार यहाँ पे लगा के यही समझना कि 40-50 हज़ार हमने कब्र के ऊपर लगा दिया है। तो ये ना सोचिएगा कि हमने 10 हज़ार की मट्टी वहाँ पर डलवाई, यही सोचिएगा हमने अपनी कब्र के ऊपर लगा के आए हैं 10-50 हज़ार रुपया, ये सोचिएगा। या जी क्या हाल है, तौबा नाउज़बिल्लाह यार, अस्तगफिरुल्लाह, हमने भी कल को यही आना है। जब कब्रिस्तान का ये हाल होगा तो हमने फिर यहाँ नहीं ना, हमने सड़कों में जाकर रूलना है, हमें जानवरों ने नोच नोच के खाना है। फिर ये हाल हमारा होना यार, ये तो मैं हैरान हूँ अपने पसरूर के, जो हमारे बड़े चेयरमैन है ना, मेरी दरख्वास्त है उनके आगे, ठीक है, चेयरमैन के आगे कि भाई मेहरबानी है आपकी, आगे यहाँ पर देखें, या चेयरमैन नहीं, ये जो भाई वीडियो देख रहे हैं या वीडियो शेयर करें, और ये वीडियो रल मिल के सारे जितने भी भाई, मैंने पीछे वीडियो में अर्ज़ किया था कि 500 रुपये फ़ी बंदा डाले, तो 500 रुपये डाल के यहाँ तक बंदा पहुँच सकता है कि मट्टी डाल सकती है कब्रिस्तान, यहाँ तक ना बस नीचे, बाकी ये देखिए सारा ऊंचा है, यहाँ पे कोई पानी नहीं है। ये प्रॉपर आप देख रहे हैं कब्रों के ऊपर लोगों ने छापर डाले हुए हैं कि कब्र भीगे ना, ठीक है, उनकी मेहरबानी, उन्होंने केयर की है। तो यार जो साथ वाली कब्रें उनके हाल देखे क्या हुआ, ये देखे गीली भीग चुकी हुई हैं, कोई हाल हवाल नहीं कब्रों का। कब्रिस्तान का क्या हाल है यार, हमारे ये मुसलमान का कब्रिस्तान है, इसकी भी पूछो नहीं क्या, कल हशर के रोज़ को इस कब्रिस्तान की पूछो नहीं, हाँ भाई बता तूने क्या किया दुनिया में, दुनिया में ये बताएंगे कि हमने रात को मोबाइल चलाए हैं, तो कब्रिस्तान की होश ही कोई नहीं, हमें कब्रिस्तान में जो मर्ज़ी हो रहा है यार, ये मेरे से नहीं देखा जाता। यकीन करें कि मेरी जितनी औकात है मैं उतने पैसे डालूंगा, तो सारे भाई मिलके ये काम करें, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। मेरी वालदा की कब्र वो है तो मैं कैसे जाऊंगा आगे, चार साइड पे आप देख सकते हैं पानी पानी है, ये साइडें बस सूखी सूखी, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आगे मैं जा नहीं सकता, आगे पानी दल दल बनी हुई है, पाँव रखो तो पाँव नीचे को जाता है, तो उसके अलावा क्या बंदा करेगा। अल्लाह माफ़ करे यार, ये हाल मेरे से नहीं देखा जाता। मेरी दरख्वास्त सिर्फ अपने पसरूर के चेयरमैन के आगे, ठीक है, तो दूसरी दरख्वास्त है वज़ीर आज़म पंजाब जो हमारे हैं ना, इमरान खान साहब, उनसे दरख्वास्त है, क्योंकि पहले हमारे मियां नवाज़ शरीफ होते थे वो तो जिंदा बात थे ना, उन्हें तो कहना भी नहीं था पड़ता कि मियां साहब ये हमारे यहाँ पे शहर में ये मसला हो, उन्हें पता लगने की देर है, वो उसी टाइम उस शहर में विज़िट करते थे, वो काम करके जाते थे, गरीबों की इमदाद भी करते थे, वो शहर का हाल भी ठीक करते थे। तो खान साहब आपसे तो हमारी दरख्वास्त ही है ना कि आप हमारी दरख्वास्त पर अमल कर लेंगे तो मेहरबानी होगी, आपने सिर्फ़ एक पेंसिल चलानी है तो हमारे शहर का ये काम हो जाना है। हमारे शहर का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है, मैं आपको पूरे पसरूर की वीडियो दिखाऊंगा, वहाँ पे कचरे के ढेर लगे हैं, कोई कचरे वाले कोई केयर नहीं है भाई, वहाँ पे कोई डस्टबिन नहीं है कचरे के पास, मैं सारी आपको दिखाता हूँ। आज मैं कब्रिस्तान की दिखा रहा हूँ, कब्रिस्तान के आप हाल देख रहे हैं। फ्राइडे है, मुझे 15 दिन हो गए, 15 दिन बाद मैं आ रहा हूँ कि 15 दिन बाद यार ये सूखना चाहिए, अभी बारिशें कोई नहीं हुई, बारिशें नहीं हुई फिर भी ये हाल है, मैं और दिखाता हूँ। ये देखिए ये क्या हाल है यार, ये देखे कब्रों के कैसे उन्होंने जहाँ जैसे मर्जी मट्टी लगा के रख दिया हुआ है, कोई हाल नहीं है। ये देखिए सारी भीगी हुई कब्रें हैं, पता नहीं यार क्या लोग कर रहे हैं, कौन आएगा कब्रिस्तान में जब ये हाल होगा। ये देखिए ये कब्र बड़ी है, ये कब्र ख़त्म हो रही है, जब पता ही नहीं मट्टी नहीं डालनी तो छोटी होनी, ख़त्म ही होनी है ना। मेरे से तो नहीं देखा जाता भाई, वीडियो शेयर कीजिए बस, ठीक है, तो इसको सपोर्ट कीजिए वीडियो को। मेरे मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो आगे जाए, आगे जाके ये वज़ीर आज़म के पास ज़रूर जानी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।